तो एपिसोड नब्बे की शुरुआतों ही सोती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था पिछले एपिसोड के में एंड में हमें फ्लैशबैक देखने को मिला था कि हाँ भाई जब जांग की और फैन की मुलाकात भाई पहली बार कब हुई थी तो एंड में हमने देखा था भाई जैसे यहाँ पे फैन को हॉस्पिटल में लाया जाता है वहाँ पर फैन देखते हैं कि हाँ भाई जांग भाई किसी बंदे का इलाज कर रहा है और उस बंदे के सामने से फट रही है तो जो हेड रहता भाई अपने कुछ मतलब हॉस्पिटल बोल सकते हो वार्ड वॉय को भेज के ना वहाँ पर दूर करते हैं जांग को जांग जाते थे कहते नहीं नहीं गलत देखो यार आप लोग यहाँ पे गलत कर करें भाई मैं यहाँ पे कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं तो भाई उस पर इलाज कर रहा करूँ अपना इलाज

और कहते हैं कि देखो बेटा अब से भाई तुम्हारा रू रूम नंबर है भाई वो है सिक्स 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 ट्रिपल सिक्स भाई अब से तुम वहीं पर रहोगे और आसपास पास ना यहाँ पे ढेर सारे अंकल आंटी से जो तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े भाई तुम बुला लेना ये लोग आके तुम्हारी मदद करेंगे इसके अलावा कोई शायद नहीं रहेगा जो उसने भी पूछता अच्छा ठीक है लेकिन मेरी मम्मी मेरी मम्मी का है तो सामने से कहता अच्छा तुम्हारी मम्मी ना वो बाहर विदेश के भाई विदेश में काम करने के लिए वो बाद में आएगी अभी नहीं आएगी तो ये भी बेचारा पागल है ये भी कहता ओके ठीक है मैं समझ गया उसका ना हेड भेजने लगता है रूम नंबर सिक्स सिक्स में वहाँ पे एक नर्स भी थी नर्स सोचते कह रहे यार सबसे पहले ना हमारा जो हॉस्पिटल है पागलखाना ये बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है छोटा ही है जहाँ भाई किसी एक पागल को भाई उसका ना सेपरेट रूम उसे कभी भी जिंदगी में नहीं मिलता एक ही रूम में ना ढेर सारे पागलों को रखा जाता है लेकिन इस लड़के पर ऐसा सेपरेट यहाँ पे क्यों दे रहे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तभी जो फैन है ना भाई अंदर जाते जाते ना कहता है हेड से सुनिए हेड आपको तो शायद मालूम होगा मैं प्रैक्टिस वगैरह भी करता हूँ अपना कल्टिवेशन का तो भाई मुझे ना कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जैसे कि चक्कू सीजर और हथौड़ा फिर चैन शो रहता है वो कुल्हाड़ी वगैरह हाँ ये सब की जरूरत पड़ेगी जल्दी से ला मेरे पास दे दीजिए जो सुनने वाले बाद यहाँ पे नर्स एकदम शौक जाती है क्या भाई इसको इसको ये सब चाहिए भाई इससे ये क्या प्रैक्टिस करने वाला है अच्छा भाई अब मुझे समझ आया भाई लगता है खतरों के खिलाड़ी बनने का इसको शौक है इसलिए भाई ये सारी चीज़ें लगता है अच्छा अब समझ आया भाई यहाँ पे तभी भाई इसको सेफ रूम दिया जा रहा है यहाँ पे हेड का भी दिमाग में आता है कि हाँ भाई यही यही रीज़न है भाई तभी तो इसको सेफ रूम में दे रहे इसके बाद इसी होता है हम एपिसोड वन से देखते रहे हाँ भाई इसको मैंने खतरों से खेलने का शौक है भाई हमेशा खुद के कहने के चोट वगैरह पहुँचाता है ये वैसे ही करता है सबसे पहले अपने गले की तरह काट लेता है नर्स आते हैं वार्ड हैं जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटल लेकर चलो भाई इस बंदे ने ऑलमोस्ट अपना गला काट लिया ठीक हो गया था। वापस लेके चलो 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 इस, इस बंदे ने अपना यहाँ पे पैर काट लिया ये भी ठीक नहीं होता उसके बाद है ना और एक दिन अपना ईश्वर को छोड़ कर लेता है टॉयलेट में आके भाई अपना मुंह ढाप करके डाल लेता है ये कहता है कि अभी मैं सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा करूँ अरे भाई अगर ऐसा रोकना है स्विमिंग पूल में जाके कर लेकिन बेचारा पागल है टॉयलेट के सीट के अंदर जाके करता है लेकिन टॉयलेट में तो भाई छेद इतना छोटा सा था भाई उसका मुँह कैस हो कैसे होगा वहाँ भी हो जाता है फिर से नर्स वार्ड वाले क्या था कि हाँ भाई जल्दी से ले चलो यहाँ पर ना फैन का अपना कांड चालू है और शां का भी अपना कांड चालू है भाई वो हमेशा अपना इलाज भाई बंदों पर करता है और बंदों को बेहोश करता है ऐसे ईश्वर किया फिर से करता है नर्स आती है वार्ड हो जाती है उस पेशेंट को लेके जाते हैं अरे चल चलो यार फिर से जांग नाम के बंदे ने भाई अपने इलाज करके भाई इस बंदे की खड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी यहाँ पे जांग बोलता है नहीं नहीं मैं किसी की खड़ी नहीं कर रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं अपना टेक्नी यूज करूँ भाई कमाल के भाई देखो उसका इलाज इतना बढ़िया अच्छे से हो रहा है एक दिन वो शांत नहीं होता फिर से दो चार दिन बाद ना फिर से ट्राई मारता है और सेम इस बार भी होता है बंदा इस बार बेहोश जाता है फिर से न चलाते करे जल्दी से हॉस्पिटल में फ़ोन करो भाई फिर से जानक ने भाई इस बंदे को बेहोश कर दिया जांग फिर से चिल्लाता है कि नहीं तो मैं गलत करो भाई मैं कमाल का जीनियस नर्स बंद भाई मुझे इलाज करने दो देखो वो बंदा ना एकदम ठीक होकर मेरे पास आएगा मुझे थैंक यू बोलेगा भाई मैंने जो इतना कमाल का उस पर इलाज किया इसके बाद तो भी उसका कण खत्म नहीं होता है इस वक्त भाई पूरा बंदे का बॉडी ही पैरालाइज कर देता है जिसके बाद से नर्स कहते हैं कि अरे यार इस वक्त तो जान ने भाई इस बंदे का बॉडी ही पैरलाइज कर दिया यहाँ पे जांग बंदे

आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं इतना अच्छा बंदा हूँ फिर के काम कीजिए मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए अम्मा कसम खा के कह रहा हूँ भाई मैं कोई भी पूरा काम नहीं करूँगा और किसी का इलाज नहीं करूँगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे हेड भी देखता हूँ कहते कि अरे यार इतना प्यास है तू बात करते भाई मैं क्या बताऊँ भाई और इतना जरा हैंडसैम हुआ है कि भाई बीस में भाई तेरे इस बहकावे में भी आ जाता हूँ जिस चक्कर में ना बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे नर्स अवार्ड भाई तेरे चक्कर में आके तुझे भाई यहाँ पे बाहर निकाल दिए लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ भाई अब मैं कसम खा के कहता हूँ भाई तुझे यहाँ से मैं बाहर निकलने बिल्कुल भी नहीं दूंगा और पीछे जो भी नर्स और जो वार्ड भाई वो लोग भी माफी मांगते हैं क्या इसमें हमारी गलती है इतना प्यारे हैं जो मुंह बनाता है ना भाई बार बार हमारा मन करता है कि अरे यार कितना क्यूट सा लड़का भी बाहर निकाल देते और गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे हेड भी सोचते कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एक काम कर करते भाई ना हिप्नोटाइज कर देते भाई जो भी यहाँ पे काम करते उनको या फिर जो आगे आने के जो मतलब आगे और भी मेम्बर्स आएंगे ना नर्स वगैरह और आएंगे उनका हिप्नोटाइज कर देंगे जिसके बाद से नॉर्मल रहेंगे तो भाई ना यंग काफी प्यारा दिखेगा लेकिन मतलब ऐसा हिप्नोटाइज कर देंगे ना जैसे जंग को देखते ना लगे

ते तब यहाँ पे फैन बोलता है कि हाँ भाई जब मुझे भी करना है तुम्हें भी करना है तो एक काम करो तुम्हारा जो इलाज करेगा ना भाई मुझ पे ट्राई मारो भाई सबसे बढ़िया रहेगा सामने से ये कह दो वाकई में मैं तुम पे ट्राई मार सकता हूँ अरे वाह यहाँ पे फैन बोलते हाँ भाई ऐसे इलाज है कि भाई तुम मतलब अपना भी प्रैक्टिस कर लोगे भाई मेरा भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा जिसके बाद से ये नाम पूछता है संगा हाँ भाई तुम मेरा नाम है नजर आएंगे भाई तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पे फैन बोलते हम मेरा नाम फैन है तो दोनों खुश हो कहता है संगा भाई अब से हम दोनों यहाँ पे पक्के दोस्त बन गए इसके बाद वो नर्स और खोलती है जिसको काम मिला था फैन पे नजर रखने का से खोल है, देखते के रहे यार ये पे गया। भागते ढूंढे जाते हैं जो से चलापिटल में फोन लगा के हॉस्पिटल में भेजो ये पागल खाने का हॉस्पिटल है यहाँ पे खाली पागल खाने भर्ती होते भाई यहाँ पे उनका इलाज नहीं होता इलाज करने के लिए नॉर्मल हॉस्पिटल में भेजते है और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई पहले दो तीन बंदो ने कमेंट किया हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में क्यों भेज रहे इसी हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करते तो इसलिए नहीं करते कि भाई यहाँ पे पागलों का इलाज नहीं होता खाली पागल यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे जाग ना भाई वो भी सारी बातें सुनता कि यार यार वो भी बेहोश हो गया कैसा ना अब वो मुझसे मतलब मिलने कभी भी नहीं आएगा उसके बाद शीश होता है अगले दिन लेकिन यहाँ पे जो फैन है ना भाई वापस आ जाता है और इस अपने साथ है ना सोई भी लेकर आया था और कहता है कि लो यार मैं तुम्हारे लिए सू चोरी करके लाया जल्दी से भाई अपने इलाज का तरीका मुझ मुझे अपनाओ यहाँ पे ना जांग खुश रहता हो कहते कह यार तुम वापस आ गए मुझे भाई कल जो कांड हुआ उसके बाद से वापस नहीं आओगे अरे यार तुम कितने किए दोस्तों

ऐसा कुछ कहा जाता है तो मुझे लगता है ना उसके ऊपर मुझे थोड़ी सी और स्टडी करके पता करना पड़ेगा यहाँ भी जो सफेद बाल वाला आदमी दिखा भाई है कौन उसके तो फिर से अपना सोई से इलाज करता है और क्या होगा भाई इस बार भी फैन भी होश जाता है ये आवाज़ देता है फैन फैन क्या हुआ भाई इस बार तुझे कौन दिखाई दिया और अगली बार तो कब यहाँ पे आने वाला है और तभी यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है अभी जो भी कहानी है अभी फ्लैश बैक का कहानी है मेन कहानी में तो भाई यहाँ पे एग्जाम की मौत हो चुकी है देखते क्या भाई वो मरता ही मतलब मरा ही रहेगा या फिर ज़िंदा होता है कि नहीं तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय